हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हर एक ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फेवरेट टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम लेके आया हूँ, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, सभी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है दोस्तों नंबर सिस्टम। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और दोस्तों हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा दोगे, वादा करता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो ये नंबर सिस्टम है, इसकी हम पूरी सीरीज लेके आएंगे। और दोस्तों जो ये आज का हमारा वीडियो है, ये दोस्तों पार्ट 1 है, आप देख सकते हैं पार्ट 1 है। ये दोस्तों जो नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक आते हैं, हम सभी की पार्ट्स में वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जो आप क्वेश्चन सामने देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा। तो दोस्तों आपको मैं एक बार 2 पॉइंट बता देता हूं जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाई, ऐसे क्वेश्चन में किसी में प्लस 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 आता है तो बड़े वाला गुणनखंड उत्तर हो जाएगा। एक पहला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों, जो बड़े वाला गुणनखंड होता है वही उसका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अगर दोस्तों क्वेश्चन में जो हमने ऊपर देखे हैं उसमें माइनस माइनस आता है बीच में, तो दोस्तों जो छोटे वाला गुणनखंड होता है वही दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो गुणनखंड होता है दोस्तों वो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। चलिए दोस्तों वीडियो को, ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, हम इन्हीं को अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपके यहाँ पे समझ में नहीं आए तो दोस्तों क्वेश्चन में आपके समझ में जरूर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं सामने, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि 6 6 6 6 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 12 12 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 5 5 5, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देख सकते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है 13 13 13, यानी कि 13 13 13, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 और 5 के बीच में, 4 एवं 5 के बीच में इसका आंसर रहेगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट है 23 23 23 23, इसका दोस्तों जो आंसर रहेगा वो भी 4 और 5 के बीच में रहेगा, 4 एवं 5 के बीच में भी इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों हम इतनी आसानी से कैसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। इस वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोट करते हुए जोर चले सारे क्वेश्चन को। और दोस्तों ऐसी वीडियो हम बहुत ही मेहनत करके ला दे दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ऐसे क्वेश्चन की हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है दोस्तों 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि जो हमारी रूट है उसके अंदर 6 6 आया हुआ है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दोस्तों 6 को बाहर निकाल लेंगे हम। 6 को बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 के हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे या फिर ऐसे गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे जो कि दोस्तों जिनका डिफरेंस 1 हो। यानी कि 2 3 6 हमारा होता है और दोस्तों इनके आपस का डिफरेंस कितना है? 1। यानी कि 2 और 3 के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वो कितना है? 1। यानी कि दोस्तों हमें ऐसे ही गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं जिनका अंतर 1 होता है आपस में, यानी कि जो डिफरेंस है 1 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस आता है तो दोस्तों जो बड़े वाला गुणनखंड होता है, यानी कि इसमें बड़े वाला गुणनखंड कौन सा है? 3। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर है दोस्तों 3। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। एक बार दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन से 6 उठाया और 6 के हम देखेंगे इसके गुणनखंड कौन कौन से होते हैं जिसमें डिफरेंस 1 का होता है केवल। 2 और 3 यानी कि 2 3 हमारा 6 होता है और दोस्तों इसके आपस में डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी कि डिफरेंस इक्वल टू हमारा 1 हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन अगर बीच में प्लस प्लस आता है तो दोस्तों अगर इसमें जो हमारा बड़े वाला गुणनखंड रहेगा, यानी कि इसमें बड़े वाला गुणनखंड कौन सा है? 3। तो दोस्तों वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इतना आसान है ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, दोस्तों आप मन में ही 2 सेकंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कितना आसान है, इसको भी आप मन मन में केवल 2 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया ऐसे ही हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, 12 को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो दोस्तों ऐसा
क्या 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 फैक्टर होते हैं 12 के? 3 और 4, यानी कि 3 चौक हमारा क्या होता है दोस्तों, 12। और इनका आपस में डिफरेंस कितना है, 1। 4 में से हम 3 गए, कितने बचेगा, 1, यानी कि डिफरेंस कितना है, 1। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस प्लस क्वेश्चन में आता है तो दोस्तों जो बड़ा गुणनखंड होता है यानी कि 4, इसमें 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4, यानी कि जो हमारा लार्जेस्ट फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। गुणनखंड करने हैं यानी फिर 12 को हमें तोड़ना है, वो किस ऐसे तोड़ना है दोस्तों जिससे कि जो उसके गुणनखंड आए उसका डिफरेंस यानी कि जो उसका अंतर है वो 1 रहे, ऐसे हम उस संख्या को तोड़ना है, यानी कि जो संख्या 12 है अंदर क्वेश्चन में उसको हमें तोड़ना है किस कैसे फैक्टर में, यानी कैसे गुणनखंड में, जिसका डिफरेंस दोस्तों 1 हो। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि तोड़ने के बाद जिसका अंतर 1 आता हो वो आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्लीज नोट करते हैं जल्दी सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन में क्या है, 6 6 6 है हमारा, लेकिन दोस्तों इसमें बीच में कौन सा साइन है, माइनस 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 का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फैक्टर करने के बाद जो हमारे गुणनखंड आएंगे, यानी कि एक बार करके देख लेते हैं, जो हमारा 6 है उसको तोड़ लेते हैं दोस्तों। तोड़ने के बाद हमें दोस्तों ऐसे फैक्टर में हमें तोड़ना है गुणनखंड में जिसका अंतर दोस्तों 1 हो, यानी कि 2 और 3 में कितना अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर है, यानी कि हमारा सही है 2 और 3 फैक्टर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा, क्योंकि माइनस माइनस आया हुआ है ऊपर, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जो हमारा छोटे वाला फैक्टर रहेगा, छोटे वाला गुणनखंड रहेगा हमारा, वही दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। कितना आसान है दोस्तों ऐसे फाइंड आउट करना, केवल 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों नोट करते हैं जो चले सारे क्वेश्चंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, दोस्तों अब की बार हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा 20 है अंदर उसको बाहर निकाल लेंगे एक बार। तो दोस्तों 20 को बाहर निकालने के बाद हम इसको ऐसे तोड़ेंगे जिसका दोस्तों डिफरेंस गुणनखंड का केवल 1 हो, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो 20 को दोस्तों हम कैसे तोड़े, तो दोस्तों 20 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 4 गुना 5 से, यानी कि 4 गुना 5 हमारा दोस्तों क्या होता है, 20। और दोस्तों इसके तो आपस में अंतर कितना है दोस्तों, 4 और 5 का 1, यानी कि डिफरेंस हमारा 1 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा राइट है, यानी कि 4 और 5 हम सही ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस आता है तो दोस्तों आपको कौन सा गुणनखंड लेना है, कौन सा लेना, पार्ट 5, यानी जो बड़े वाला पार्ट है आपको वो लेना है गुणनखंड, यानी कि दोस्तों जिसका 5 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, 5। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपके समझ में नहीं आया है एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 20 को पहले बाहर निकालेंगे, 20 को बाहर निकाल लिया, और दोस्तों 20 को ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि उसके जो फैक्टर आए, गुणनखंड आए, उसका अंतर क्या है, 1 रहे, यानी कि 4 गुना 5 कर लेंगे हम। और दोस्तों इसमें जो अंतर है वो 1 का है आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस आता है तो दोस्तों इसमें जो बड़ा गुणनखंड रहेगा, यानी कि 5 से बड़ा गुणनखंड है 4 से, तो दोस्तों वही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 5। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन आपसे नहीं होते। अगर आप दोस्तों आज इस वीडियो को आप देख लोगे तो दोस्तों आप कभी भी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देख लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारा माइनस वाला है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 30 को बाहर निकालेंगे, 30 को बाहर निकाल लिया, और दोस्तों 30 को हम ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या रहे, इसका अंतर कितना रहे दोस्तों, 1 अंतर रहे। लेकिन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 गुणा 6 कितना होता है दोस्तों, हमारा 5 × 6 क्या होता है दोस्तों, हमारा 30, यानी 5 संग 30 होता है हमारा दोस्तों। इसका अंतर कितना है, 1 का, यानी कि इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली स्लाइड थी दोस्तों, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, अगर क्वेश्चन में दोस्तों माइनस माइनस आता है तो दोस्तों आपको छोटे वाला गुणनखंड लेना है। तो दोस्तों 5 और 6 में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 5 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऐसे आप दोस्तों इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, केवल 2 सेकंड में दोस्तों आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप मन मन में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से, अगर आपके समझ में नहीं आया है एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। 30 को दोस्तों क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे 30 को, और 30 के दोस्तों ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कि जो उनका डिफरेंस है, यानी कि इसको ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि उनका जो डिफरेंस है वो 1 रहे। तो दोस्तों हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 6 से, यानी कि जो हमारा 5 संग होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, 30। उनका डिफरेंस क्या है आपस में, 1 है, आपस में डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1। और दोस्तों
क्वेश्चन में माइनस माइनस आया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि जो अगर माइनस माइनस आता है तो दोस्तों जो हमारा छोटे वाला गुणनफल होता है, गुणनफल उसको दोस्तों लेते हैं, वो इसका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों 5 और 6 में कौन सा कम है? छोटा है 5, यानी कि दोस्तों जो 5 है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो दोस्तों मैं आपके लिए दोबारा वीडियो लेके आऊंगा उसी टॉपिक पे, जिससे कि आपको और अच्छे से हो जाए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी जो हमें ऊपर पढ़ा है उसी के ऊपर ये आधारित है। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है 72, 72 + 72 + 72। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 72 को हम बाहर निकालेंगे। आप देखिए दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके फिर उसको सोल्व कर सकते हैं, और दोस्तों हम अपना क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों एक चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। 72 को दोस्तों हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको इसको तोड़ेंगे जिससे कि जो उसके गुणनखंड है उसमें जो अंतर है वो 1 का रहे। ये दोस्तों टॉपिक, ये जो पॉइंट है मैं बार बार लिख रहा हूँ, इससे आपके अच्छे से याद दिमाग में बैठ जाए इस पॉइंट को। तो दोस्तों 72 को तोड़ते हैं। 8 नंबर दोस्तों हमारा क्या होता है, 8 नंबर होता है दोस्तों हमारा 72। तो दोस्तों इसमें अंतर कितना है, 8 और 9 में 1 का अंतर है। और दोस्तों आपको मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस आता है, अगर प्लस प्लस आता है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो उसके गुणनखंड है उसमें जो बड़ा रहेगा, 8 और 9 में क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। तो दोस्तों जो 9 है इसका वही इसका राइट आंसर है, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से शेयर भी करें। तो दोस्तों जो हमारा ड्रीमर्स चैनल है केवल दोस्तों आपको यही सफलता दिलाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा चैनल पर्टिकुलर दोस्तों हमारा ट्रिक्स के लिए है, केवल ट्रिक्स के लिए दोस्तों हमारा चैनल फेमस है ड्रीमर्स। तो दोस्तों इसके साथ जुड़े रहें। केवल दोस्तों आपको केवल ऐसे हम महसूस करा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप हम देख सकते हैं कि आपके सामने दोस्तों केवल हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। हम हैंड रिटन यानी कि जैसे टीचर पढ़ाते हैं दोस्तों क्लास में, आपको ऐसे महसूस कराते हैं। तो दोस्तों जिससे कि आपको लगे कि हमें अच्छा समझ में आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों उनमें इनका यूज होने वाला है। अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो दोस्तों आगे आने वाली संख्याओं के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों आपको केवल अभी इतना याद रखना है, जो अगले क्वेश्चन आएंगे आपको उनके आप उनमें जो मैं बताऊंगा उसमें दोस्तों आपको क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट अच्छे से। एक बार बस आप इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। 1, अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो आने वाली संख्याओं के बारे में सोचेंगे। ये पॉइंट 2 को पढ़ते हैं, अगर माइनस माइनस लगा हुआ है तो पीछे वाली संख्याओं के बारे में सोचेंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर क्लियर नहीं हुए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन में जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा कि इन पॉइंट का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है आने वाले जो क्वेश्चन है जो सामने हमारे हैं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले पढ़े। तो दोस्तों ये ऐसे नहीं है, इनके फैक्टर हम एक बार करके देखते हैं। एक बार तो क्या करते हैं दोस्तों, 3 को बाहर निकाल लेते हैं और दोस्तों 3 के फैक्टर करके देखते हैं एक बार। 3 के फैक्टर क्या रहेंगे दोस्तों, 3 गुना 1। तो दोस्तों अगर इनका डिफरेंस चेक करें हम, लेकिन डिफरेंस दोस्तों इसमें कितना आ रहा है, 2 का। लेकिन दोस्तों हमें डिफरेंस कितने का बनाना है, 1 का डिफरेंस बनाना है। तो दोस्तों ये हमारा गड़बड़ हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों 3 से अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया हुआ है, मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया अगर प्लस प्लस है तो दोस्तों आगे वाली संख्याओं के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों 3 से आगे हमारा क्या आता है, 4। तो दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई कर 4 के फैक्टर देखेंगे करके, 4 के फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 2। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस कितने का है, 0 का। लेकिन डिफरेंस 0 1 का करना है हमको, तो दोस्तों ये भी हमारी गड़बड़ होगी। तो दोस्तों ये भी हम नहीं ले सकते। अब देखते हैं 4 से आगे हमारा क्या आता है दोस्तों, 5। 5 की क्या करेंगे, फैक्टर 5 के फैक्टर क्या आता है दोस्तों, 5 1 गुना 5। लेकिन इसमें दोस्तों डिफरेंस 1 का नहीं है हमारा, डिफरेंस इसमें दोस्तों 4 का, इसको भी हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों 5 के आगे हमारा क्या आएगा, 6। तो दोस्तों 6 का फैक्टर करके देख लेते हैं, 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुना 3। दोस्तों ये हमें मिल गया फैक्टर, यानी कि जिनका डिफरेंस 1 है। यानी कि दोस्तों हम 3 से आगे बढ़े, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद 6 आए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस प्लस आता है तो दोस्तों हमें आगे वाली संख्याओं के बारे में सोचना है। तो दोस्तों जो हमारी संख्या आई है वो 6 आई है, उसके फैक्टर क्या है, 2 और 3। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में वहां पे मिलेगा 2 एवं 3, वही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच में इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके समझ में नहीं आया, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं अच्छे से।
तो दोस्तों जैसे कि हमने तीन को बाहर निकाला था, इसकी हमने फैक्टर की थी 3 गुणा 1, लेकिन दोस्तों जो इनका डिफरेंस है वो 1 नहीं बन पा रहा था, जो इसका डिफरेंस है वो 2 बन पा रहा था। तो दोस्तों हम उसको नहीं लेने के, हमें केवल उसी चीज को लेना है जिसका डिफरेंस दोस्तों 1 हो, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमें 3 से अब आगे बढ़ना है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में अगर प्लस है तो दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। तो 3 के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है 4, तो दोस्तों क्या करेंगे 2 गुणा 2 इसके फैक्टर होते हैं 4 के, इसमें लेकिन डिफरेंस कितना है 0 का, इसको भी हम नहीं ले सकते। अब आए दोस्तों हम 4 से 4 के आगे 5, 5 की डिफरेंस दोस्तों 5 की गुणनखंड क्या रहेंगे 1 गुणा 5, लेकिन दोस्तों इसमें जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, हम इसको भी नहीं ले सकते, हमें डिफरेंस क्या लेना है 1। अब 5 के बाद दोस्तों क्या आएगा आगे 6, इसके 6 के गुणनखंड करके देखते हैं 2 गुणा 3, तो दोस्तों 2 और 3 में कितना डिफरेंस है 1, लेकिन ये दोस्तों हमारा राइट हो गया, यानी कि हमें डिफरेंस कितना चाहिए था 1 का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जो हमारे गुणनखंड आए, यानी कि जो हमारे फैक्टर आए हैं तोड़ने के बाद 2 और 3, 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर रहेगा, यानी कि दोस्तों आपको यही ऑप्शन क्वेश्चन में मिलेगा जो आपके पेपर में करेंगे। तो दोस्तों 2 एवं 3 के बीच में इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ऐसे करना कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे करके देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से पता लगता रहे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पे आते हैं। अब आप ही को करनी है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप इसको पॉज करिए, जो मैंने आपको माइनस के बारे में बताया था एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ माइनस वाला भी, फिर अगले क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से पोस्ट करके वीडियो को। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 है इसको बाहर निकालेंगे, 3 को इसके फैक्टर करके देखेंगे दोस्तों 1 गुणा 3 इसके फैक्टर करके देखेंगे, लेकिन दोस्तों इनमें डिफरेंस कितने का है 1 का, इसको इसमें कि डिफरेंस कितना सॉरी 2 2 का, इसको हम नहीं ले सकते दोस्तों क्योंकि 2 का डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस कितने का रहना चाहिए दोस्तों 1 का, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हमें पीछे आना है, 3 से पहले दोस्तों हमारा क्या तो होता है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो दोस्तों आपको पीछे आना है। तो दोस्तों 3 से पहले क्या आता है 2, तो 2 के फैक्टर करके देखते हैं दोस्तों, 2 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 1 गुणा 2, यानी कि दोस्तों इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, तो हमें जो हमारी संख्या थी वो हमें मिल गई है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 एवं 2 के बीच में इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों जो 1 और 2 है वो ये फैक्टर है जो हमारी संख्या आई थी 1 और 2, ये वाली 1 और 2 के बीच में इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपकी समझ आ गया होगा, एक बार प्लीज इसको नोट जरूर कर लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, अगर दोस्तों क्वेश्चन में माइनस माइनस आता है तो दोस्तों हमें संख्याओं के पहले जाना है, यानी कि 3 से पहले हमारा क्या आएगा 2, 2 के फैक्टर करके देखना है कि हमारा डिफरेंस आ रहा है कि, 2 से पहले दोस्तों हमारा क्या आता है 1 आता है, अगर 2 भी हमारा नहीं होता दोस्तों हम 1 पे जाते हैं, अगर हमारा प्लस आता है दोस्तों क्वेश्चन में तो हमें आगे बढ़ना है, अगर 3 के बाद क्या है 4, 4 के फैक्टर करके देखेंगे, 4 के बाद हम अगर 4 का डिफरेंस 1 नहीं आता है गुणनखंड का, तो दोस्तों हम फिर 5 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जहां पे डिफरेंस 1 आएगा वहीं पे हमें रुक जाना है और दोस्तों वहीं पे उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, प्लीज दोस्तों नोट करते हैं जो चले सारे क्वेश्चन को, अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, आपको दोबारा फिर वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दोस्तों हमें बीच में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है दोस्तों 5 + 5 + 5, इसके हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें क्या है प्लस प्लस हमें दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों हमें संख्या से आगे बढ़ना है, 5 से हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम 5 को बाहर निकालेंगे और 5 के फैक्टर करके देखेंगे, 1 गुणा 5 के दोस्तों फैक्टर होते हैं 1 गुणा 5, लेकिन दोस्तों इसमें जो डिफरेंस है 1 और 5 में कितने का है 4 का, तो दोस्तों इसको हम नहीं ले सकते, इसके हमारा गड़बड़ हो गया। अब हम दोस्तों 5 से आगे जाएंगे 6, 5 से आगे दोस्तों हमारा क्या आता है 6, तो दोस्तों 6 के गुणनफल करके देखेंगे, 2 और 3 दोस्तों इसके गुणनफल होते हैं 2 × 3, यानी कि 2 3 हमारा क्या होता है 6, इसमें डिफरेंस हमारा दोस्तों 1 आ गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जहां पे भी आपको डिफरेंस 1 मिलेगा दोस्तों वहीं पे उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 एवं 3, 2 एवं 3 के बीच में दोस्तों इसका आंसर रहेगा, उस किसका क्वेश्चन नंबर 9 का, यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप दोस्तों आपके क्वेश्चन सभी सभी समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जो भी ट्रिक की वीडियोस है जो भी टॉपिक है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं, आपको सभी कुछ यहीं पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल ड्रीमर से जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या दिया, आपको पहले चेक करना है कि इसके गुणनखंड हो रहे हैं कि जिसका डिफरेंस 1 हो, लेकिन हम इसको चेक करेंगे हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन में क्या है प्लस है या फिर माइनस है, तो दोस्तों इसमें माइनस दिया हुआ है। तो दोस्तों 11 के गुणनफल करके देखते हैं एक बार, तो दोस्तों 11 के गुणनफल क्या करोगे, 1 गुना 11 करके देखेंगे दोस्तों,
एक गुना ग्यारह करके दोस्तों, जो एक और ग्यारह के बीच में डिफरेंस हो कितना का दोस्तों, 10 का। इसको हम नहीं ले सकते दोस्तों, आपको पता है। अगला अगला करके देखेंगे दोस्तों, अगला करके देखेंगे दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा राइट में करके देख लेते हैं एक बार इसको अच्छे से, इससे कि आपको अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 11 को पहले उठाएंगे। तो दोस्तों आपको इसमें देखना होगा कि पहले हम इसमें आगे बढ़ना है पीछे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि माइनस आया हुआ है। तो दोस्तों हमें क्या कहाँ बढ़ना है, पीछे की साइड हमें बढ़ना है। तो दोस्तों जो 11 के फैक्टर है वो हो जाएंगे 1 × 11, लेकिन दोस्तों डिफरेंस कितना है 10 का। हमें डिफरेंस दोस्तों कितने का चाहिए, 1 का। तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 10 पे, यानी कि इससे पिछली संख्या क्या है, 10। 10 के हम गुणनखंड करके देख लेंगे दोस्तों। गुणनखंड 10 के गुणनखंड कितने दोस्तों होते हैं, 2 × 5। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस कितना का है, 3 का। लेकिन ये दोस्तों हमारा गलत हो गया, हमें डिफरेंस चाहिए दोस्तों 1 का। अब आते हैं दोस्तों 9 पे। 9 का जो डिफरेंस है यानी कि जो गुणनखंड है वो कितने रहेंगे, 3 × 3। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस कितने का, 0 का। 1 नहीं है दोस्तों, इसको भी हम काट देंगे, ये भी हमारा गलत है। अब आते हैं दोस्तों 8 पे। 2 × 4, 4 × 2 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए डिफरेंस 1 का, ये भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं दोस्तों 7 पे। अब आते हैं दोस्तों 6 पे। अब आते हैं दोस्तों 6, 7 पे भी हमारा नहीं हो पाने का। लेकिन दोस्तों जो हमारा 6 है, इसमें दोस्तों जो हमारे गुणनखंड रहेंगे दोस्तों हमारे 2 और 3, इसमें दोस्तों डिफरेंस कितना रहेगा, 1 का। तो दोस्तों हमें 6 मिल गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 2 और 3, 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर रहेगा दोस्तों। यानी कि अगर हमें डिफरेंस 1 मिल जाता है और जो भी गुणनखंड है उनके बीच में डिफरेंस 1 है, तो दोस्तों जो वही आंसर उसका हो जाएगा, 2 और 3 उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इसमें क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है दोस्तों प्लस। आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको 11 वाले क्वेश्चन में बताया है। तो दोस्तों ये प्लस वाला करके एक बार देख लेते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, 11। मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस दिया हुआ है तो दोस्तों कहां पे बढ़ना है, आगे की ओर जाना है। तो दोस्तों जो 11 के फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 × 11। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 का। कितने का है दोस्तों, 10 का। ये हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों 11 के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा 12। तो दोस्तों 12 के गुणनखंड करके देखते हैं। हमारा 3 × 4 के दोस्तों हमारा क्या होता है, 3 × 4, 3 × 4 हमारा दोस्तों क्या होता है, 12 होता है। और दोस्तों जो 3 × 4 होता है उसमें डिफरेंस कितना होता है 3 और 4 में, वो होता है दोस्तों हमारा 1। तो दोस्तों हमारा 1 मिल गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 3 एवं 4, इस 3 एवं 4 के बीच में इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ऑप्शन में ऐसे ही आता है कि 3 एवं 4 के बीच में, या फिर 2 एवं 3, 2 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। आई होप आपके समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए मैं दोबारा वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों, इसलिए इतने क्वेश्चन में इसलिए लेके आओ जिससे कि दोस्तों आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपको दोस्तों पहले क्या देखना है 12 पर दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको क्या देखना है कि इसमें दोस्तों प्लस प्लस दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको कहाँ बढ़ना है, आपको बढ़ना है दोस्तों आगे की साइड, यानी कि 20, 21, 22 ऐसे आपको बढ़ना है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 19 को बाहर निकालेंगे और 19 के फैक्टर करेंगे दोस्तों। 19 फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 19। तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 18 का। लेकिन दोस्तों हमारा गड़बड़ हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। हमें डिफरेंस कितने का चाहिए दोस्तों, 1 का डिफरेंस हमें चाहिए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम चलेंगे 20 के, यानी कि आगे की साइड चलेंगे। यानी कि 19 के बाद हमारा क्या आता है, 20। 20 के गुणनखंड हमारे क्या आता है दोस्तों, 4 × 5। और दोस्तों डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 1 का। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 एवं 5 के बीच में इसका राइट आंसर रहेगा। 4 एवं 5 इसका राइट आंसर है। दोस्तों जो हमारे तोड़ने के बाद जो 4, 5 आते हैं वही आंसर होता है दोस्तों, यानी कि 20 को तोड़ने के बाद जो हमारे 4 और 5 आए हैं वही उसका राइट आंसर होता है। आप कंफ्यूज मत होए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस आ रहा है, हमको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे और 1 के गुणनखंड दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, 1 × 1 आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस कितना है गुणनखंड में, 0 का। आप इसको नहीं ले सकते हैं, इसको गड़बड़ हो जाएगी हमारे दोस्तों। चलते आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा 2 आता है। तो 2 के गुणनखंड करके देखते हैं, 1 × 2 होता है, क्या होता है, 2। इसमें दोस्तों डिफरेंस कितने का है, 1 का, हमें मिल गया दोस्तों। यानी कि जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1 एवं 2 के बीच में, यानी कि जो हमारे गुणनखंड आए हैं 1 और 2, इन्हीं के बीच में दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप दोस्तों आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, ऐसा आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी ट्रिक और दोस्तों ऐसा पढ़ाने का माध्यम आपको नहीं मिलेगा कि किसी भी क्वेश्चन में।
किसी भी वीडियो में दोस्तों, जो यूट्यूब पे चैनल पे हैं। दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या आया हुआ था दोस्तों, प्लस माइनस आया हुआ था, प्लस प्लस माइनस माइनस आया हुआ था। लेकिन दोस्तों जो उसमें डॉट था वो उसमें आएगा ही, जो प्लस माइनस वाले है दोस्तों, जो डॉट है उसमें आएगा, ये कंपलसरी है। जो हमने सारे क्वेश्चन अभी पढ़े हैं उसमें डॉट 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 आएगा ही आखिरी में। लेकिन दोस्तों जो मल्टीप्लाई वाले है यानी कि गुणा वाले क्वेश्चन है उनमें दोस्तों डॉट आ भी सकता है, जो ये डॉट वाली क्वेश्चन है ये डॉट आ भी सकता है दोस्तों, ये नहीं भी आ सकता। आपको याद रखना है अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है इनमें डॉट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो दोस्तों आपको मैं बताते चलूंगा। तो दोस्तों जिनमें डॉट आता है उनमें क्या करेंगे, अगर गुणा में डॉट दिया हुआ है तो दोस्तों जितना अंदर लिखा हुआ है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों गुना वाले में डॉट डॉट है आखिरी में, ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट, मैं इनको डॉट डॉट बोल रहा हूँ, जो ये आगे लिखे हुए हैं ये डॉट डॉट है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अगर डॉट डॉट दिया हुआ है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में तो दोस्तों जो अंदर है वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में दोस्तों अंदर क्या है, दो, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कितना आसान है दोस्तों, कितनी आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं केवल 2 सेकंड में दोस्तों। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी और दोस्तों ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल इसी चैनल पर मिलेंगे जो है ड्रीमर्स। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दोस्तों डॉट डॉट दिए हुए हैं लेकिन दोस्तों इसके अंदर अंदर क्या है, इसके अंदर है दोस्तों 3, और ये क्या है मल्टीप्लाई में है दोस्तों सारे। और दोस्तों यानी कि आपको मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई में है और डॉट डॉट दिए हुए हैं तो दोस्तों जो उसके अंदर रहेगा वही दोस्तों उसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों 3। चलते हैं दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं, आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े जो अभी मैंने मल्टीप्लाई वाले आपके बताए हैं उसमें दोस्तों क्या दिया हुआ था, डॉट डॉट दिए हुए थे, लेकिन दोस्तों इनमें डॉट डॉट नहीं दिए हुए हैं, इनका दोस्तों थोड़ा अलग मेथड है फाइंड आउट करने का। तो दोस्तों उनको हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 की पावर लेंगे, यानी कि दोस्तों हमने इसमें क्या करेंगे जो अंदर दिया हुआ है उसकी पावर लेंगे, यानी कि दोस्तों अंदर क्या दिया हुआ है 2। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 लिखा हुआ है अंदर उसको पहले एक बार 2 लिख लेंगे बाहर, यानी कि 2 हमने लिख लिया, लेकिन दोस्तों जो पावर में यहाँ पे आएगा उसमें उसको हम कैसे लाएंगे, उसको हम ऐसे लाएंगे यानी कि जो अंदर 2 कितनी बार लिखा हुआ है दोस्तों, अंदर 3 बार लिखा हुआ है तो दोस्तों 2 की पावर हम 3 कर देंगे। तो दोस्तों 2 की पावर कितनी होती है दोस्तों, हमारी 8 होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे एक बार, यानी कि 2 की पावर 8। और दोस्तों हमें अब क्या करना है, 8 में से दोस्तों 1 घटाने के बाद 8 में से क्या आएगा, 7, और 7 इसके ऊपर लिख देना है तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या करेंगे, 2 को हम पहले दोस्तों बाहर लिखेंगे, जो अंदर दिया हुआ है उसको बाहर लिख लेंगे 2, और दोस्तों इसकी 2 की हमें पावर लिखनी है। अब उसकी पावर कैसे लिखेंगे, यानी कि जितने टाइम अंदर 2 दिया हुआ है, कितनी बार दिया है दोस्तों, 3 बार हमें 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर 3 बार 2 है तो दोस्तों क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे। और दोस्तों 2 की पावर 3 कितनी होती है, हमारी 8 होती है। और दोस्तों 8 में से 1 घटा कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7/8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों जो घटा के लिखना है वो आपको ऊपर लिखना है। तो दोस्तों जो पावर रहेगी हमेशा 2 की पावर रहेगी, और जो ऊपर वाला रहेगा दोस्तों ये रहेगी वो संख्या, यानी कि जितनी बार भी क्वेश्चन में वो आया हुआ है ऊपर, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। अंदर क्या दिया हुआ है, अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 दिया हुआ है। और दोस्तों जो 2 की पावर है वो क्या रहेगी, यानी कि 3 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार, यानी कि दोस्तों 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 8। 2 की पावर 3 कितना दोस्तों, हमारा 8 होता है। और दोस्तों 8 में से यानी कि 8 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 में से 1 घटा के, तो दोस्तों हमारा 8 में से घटा कितना आ जाएगा, 7/8। तो दोस्तों 3 की पावर 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपके समझ में नहीं आ रहा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को करके देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 को बाहर निकालेंगे, यानी कि हम 5 को पहले लिख लेंगे, एक बार 5 को लिखेंगे बाहर निकाल के। और दोस्तों इसमें जो 5 है वो कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार। तो दोस्तों 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 × 4 × 8 × 16, यानी 16 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 लिख लेंगे। और दोस्तों 16 में से 1 घटा के कितना आता है दोस्तों, 15, यानी कि 5 की पावर 15/16 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो नीचे आएगा 16 उसमें से हमेशा 1 घटाना है, 1 घटा के ऊपर लिखना है, यानी कि 15/16 इसका राइट आंसर है। 5 की पावर 15/16 इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। और प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके समझ में आ गया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर आपके इस चीज से समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपके कोई भी
प्रॉब्लम है, आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा चैनल है ड्रीमर्स केवल एक चीज के लिए फेमस है दोस्तों, वो है दोस्तों ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स। दोस्तों आपको सभी चीजों को यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम याद कराते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, वोकैबुलरी के दोस्तों वर्ड्स हो जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सभी चीजों को। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।